गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? अभी देखिए सवेरे मौसम कैसा है, पूरा क्लाउडी है, इसलिए 7 बजे हम विंडो ओपन किए। एक तो ठंडा है, ऊपर से इतना क्लाउड के क्या बोले। वैसे आज का दिन मेरा अच्छा ही जाने वाला है। आप लोगों का कैसा गया आज का दिन? आज का दिन में हम अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहे हैं, तो अभी रहिए मेरे साथ। मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा है आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो पहले ही हम उठ गए थे सवेरे, उठ के मेरा मतलब जो बदिंग था, वॉशिंग था, ये सब हो गया था। तो इसके बाद हम विंडोज़ ओपन कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा पानी पियेंगे और उसके बाद हम मतलब किचन में चले जाएंगे। बेटा अभी भी सो रहा था, उसका टाइम पे अलार्म है, वो उस टाइम पे उठ जाते हैं। लेकिन कल रात को मतलब यस्टरडे नाइट को बहुत ज़्यादा थोड़ा रात तक पढ़ाई करने के लिए अभी बेटा अभी तक सो रहे हैं। तो ये देखिए हम अपना पानी ऐसे मतलब रख देते हैं, तो पानी पी लेंगे। वैसे आप लोग सवेरे सवेरे वॉर्म वाटर लेते हो, ल्यूको वॉर्म वाटर लेते हो, या फिर ऐसे ही ठंडा पानी लेते हो? और ये देखिए ये मेरा फ्लावर है, अच्छा सा है, सुंदर है। हम अपने डाइनिंग में ये वाला टेबल डेकोरेट किए ये फ्लावर से। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला फ्लावर ज़रूर बताइएगा। और ये रहा मेरे बेटे का क्रिसमस ट्री। कमिंग क्रिसमस जो है तो उसके लिए ये मेरे बेटे ने बनाए हैं चार्ट पेपर के ऊपर, तो ये उसके स्कूल में सबमिट करना है। तो वो फ्रिज में हैंगिंग करके रख दिए ताकि स्ट्रेट रहे, ख़राब ना हो। और इधर देखिए हम यस्टरडे दूध लाए थे, मिल्क लाए थे, तो आज सोचे थोड़ा सा बेटे को खीर बना देंगे। तो ये वाला वैसे ये यूटेंसिल जो है, पॉट जो है, हम नया वाला लिए, ये 399 का आया। इसके नीचे एक कोटिंग दिया हुआ है जो इंडक्शन बेस है। तो अभी मैं कॉफ़ी और बेटे के लिए दूध बना रही हूँ, और कॉफ़ी और दूध ले लेंगे मॉर्निंग में। तो चलिए आज के दिन रहिए मेरे साथ। आप लोग भी मॉर्निंग में बच्चे को ऐसे हल्दी दे के दूध दे सकते हो। हल्दी एंटीबायोटिक होता है, और सीज़न का क्या बोले, विंटर आ गया उसके बावजूद भी ऐसे हो रहा है। मे बी कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, तो मतलब रेनी पूरा डे, क्लाउडी, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए हम चावल ले लिए, ये है गोविंदोभोग चावल, मतलब राइस, गोविंदोभोग राइस। तो इसको हम धो लेंगे अच्छे से, फिर हम दूध में ही मतलब चढ़ा देंगे ये वाला मतलब जो खीर है वो बनाने के लिए। वैसे अभी विंटर में कलकत्ता में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे बेलघोड़िया के साइड पे, मतलब नॉर्थ कोलकाता के साइड पे फूड फेस्टिवल हो रहा है। फिर आप लोगों का नॉर्थ कोलकाता में ही सॉल्ट लेक एरिया में हम लोगों का वहाँ पे हो रहा है हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडक्राफ्ट जो होता है उसका फेस्टिवल हो रहा है, फेयर हो रहा है। तो आप लोग अगर अभी मतलब विंटर में कलकत्ता विज़िट करने आओगे तो ज़रूर ये सब चीज़ एंजॉय कर लेना। और हम तो बेटे को लेके ये सब अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का स्कूल लेके ही हम दोनों पूरा एकदम सॉरी खांसी हो गया, थोड़ा सा खांसी हो चुका है। तो इधर देखिए हम दूध में मतलब चावल डाल के थोड़ा सा रख दिए दूध को साइड करके, ताकि चावल थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए। और इधर हम पूरा ब्रेड बना ले रहे हैं, आज हम टोस्ट बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में। वैसे दैट इज़ द पेटेंट, हम लोगों का पेटेंट है ये वाला ब्रेकफास्ट, टोस्ट बना लेते हैं वो गार्लिक बटर देके और उसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर देके टोस्ट बनाते हैं उसके साथ।
कॉफ़ी और बेटे का दूध और बनाना, एक कोई भी एक फ्रूट हम लोग ले लेते हैं। तो ये हम लोगों का हर रोज़ का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, तो ऐसे ही लेते हैं। पहले जब हम वेट लॉस में थे तब हम मॉर्निंग में सिर्फ फ्रूट ले रहे थे, लेकिन आप लोगों को पता ही है वेट लॉस जर्नी जो होता है सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे होता है। हम लोग ये पूरा मतलब जो डाइट है वो पूरा एकदम से नहीं कर पाते हैं, तो वेट कुछ दिन तक ठीक रहा फिर से मतलब फ्लैक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे वेट गेन करना वेट लॉस करना सब कुछ डिपेंड करता है बॉडी माइंड सोल के ऊपर भी। मान लीजिए लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, प्रेशर बढ़ जाता है, किसी किसी का प्रेशर लो हो जाता है, इस हिसाब से भी वेट के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि जो वेट गेन कर रहा है हमेशा ही उसका मतलब ज़्यादा खा लेते हैं या फिर कुछ और। हम वैसे मतलब बहुत ही मतलब सोच समझ के नहीं बोलेंगे, खाने के मामले में हम अभी उतना मतलब नहीं करते मतलब अभी खाने के मामले में हम थोड़ा सा हेल्दी डाइट रखने का ही कोशिश करते हैं, ज़्यादा जंक फूड जो है वो अवॉइड ही करते हैं। वैसे हम ज़्यादा फूडी है नहीं, तो इसलिए हमको जंक फूड ज़्यादा लेना वो पसंद नहीं है। बट बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो कभी कभार बोलते हैं कि मम्मा बिरयानी ये, तो इस वजह से हो जाता है। अदर देन दैट हम कोशिश करते हैं हेल्दी डाइट फॉलो करने का। तो इधर देखिए हम जो बटर है वो हम इसके ऊपर दे रहे हैं। हम ऐसे ही टोस्ट बनाते, पहले जो सैंडविच बनाते थे तो हम मतलब ऐसे ही पैन के ऊपर ही बनाते थे सैंडविच। तो ऐसे करके बटर लगाने से जो ब्रेड होता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है और टेस्ट भी अलग सा होता है। तो इधर हम ब्लैक पेपर इसमें छिड़क रहे हैं, तो ब्लैक पेपर और हम सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, तो थोड़ा सा सॉल्ट देके इसको हम सर्व कर लेंगे एज आवर ब्रेकफास्ट। और जो बॉयल चावल था अलोंग विथ मिल्क उसमें डस्ट ऑफ कार्डोमम और घी देके और थोड़ा सा कॉन्डेंस मिल्क देके वो हम बना लिए थे बेटे का खीर, लेकिन वो क्लिप्स हम उठाना भूल गए, इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं। हाल ही में विंटर में ऐसे दुकान पे बहुत अच्छा अच्छा सा केक आ चुका है, तो आई एम क्वाइट फॉन्ड इनफ विद दैट क्रिसमस केक। तो प्लम केक होता है, फ्रूट केक होता है, वॉलनट केक होता है, तो दिस इज़ वॉलनट केक। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है, इसका टेस्ट जो है, इसका फ्लेवर जो है मुझे बहुत ही पसंद है। आई लाइक दिस वॉलनट केक। तो यही आज हम दोनों मम्मा बेटा टिफ़िन में ले लेंगे। तो इधर हम केक को डिवाइड करके छोटा छोटा पीसेस करके ले रहे हैं ताकि बॉक्स में थोड़ा सा मतलब स्पेस रहे कुछ दूसरा कुछ देने के लिए। तो ये देखिए मेरा वाला टिफ़िन पे भी हम ले रहे हैं केक डिवाइड करके, और इसके साथ साथ अभी हम लोग ले लेंगे फ्रूट, मतलब कोई भी एक सीजनल फ्रूट हो तो वो हम लेके आज टिफ़िन, दोनों का टिफ़िन जा रहे हैं। बेटे के स्कूल में और मेरे स्कूल में, हम दोनों का स्कूल में टिफ़िन टाइम जो है वो 15 मिनट्स बस दिया जाता है, 30 मिनट्स है नहीं, तो उतना मतलब जल्दी में हैंड वॉश करो फिर मतलब आओ फिर, तो उतना जल्दी में ज़्यादा खाना या फिर कुछ ज़्यादा होता नहीं है। और खाना हमेशा मतलब ठीक से खाना चाहिए ताकि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। हम लोग अगर बहुत जल्दी जल्दी कुछ गरम गरम खा लेंगे तो इन फ्यूचर डाइजेशन में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसके वजह से ही हम बहुत ही मतलब लाइट वेट फूड लेते हैं एज अ टिफ़िन, ताकि जल्दी से खाना भी हो जाए और हेल्थ का भी थोड़ा सा मतलब हो जाए। तो इधर हम लोग आज प्रोमिगामेंट ले रहे थे, आई लव दिस फूड सो मच। तो इसमें आपका ब्लड जो है बहुत ही ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड अच्छा रहता है और मतलब ब्लड का जो है वो मतलब थोड़ा सा लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाते हैं। तो प्रोमिगामेंट इज़ गुड फॉर वुमेन एंड किड्स आल्सो। और
बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा गुण है। और इसके साथ साथ एक पार्क वाला जो चॉकलेट आता है वेफर के साथ, तो वही हम 2 पीसेस कट करके दे रहे हैं, साइड में जो जगह है वो फिलअप करके दे देंगे, क्योंकि इसको बाहर निकल के देंगे तो प्रोमीग्रेमेट के साथ ये पूरा सॉफ्ट होते जाएगा, तो ये दे रहे हैं। और देखिए इसके साथ हम स्पून भी दे दिए, आप लोग अलग से भी स्पून देते हो वो हम देखे हैं, तो हम साथ में ही दे देते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है अलग सा बॉक्स में स्पून डाल के देते हैं, बच्चा भूल जाता है तो फिर अलग सा टिफ़िन बैग बना के नहीं लेके जाते हैं, एक ही बैग में हमको टिफ़िन देना पड़ता है। तो ये रहा केक पॉमग्रेनेट, और हम दिखा रहे हैं ये चॉकलेट 2 पीसेस करके दे दिए। और जो लीड का ऊपर का जो रबर होता है, हर रोज़ इसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि लीड के ऊपर का जो रबर है इसके अंदर भी मतलब जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, तो हर रोज़ इसको ओपन करके क्लीन करना चाहिए। और हम दिखा रहे थे ये वाला जो टेबल मैट है, ये हम हाल ही में ख़रीदे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला टेबल मैट, और ये 100 रुपीज़ करके लिया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए हम आप लोगों को दिखा रहे थे ये वाला मैट। तो कैसा है ये वाला मैट आप लोग भी बताइए, एक अच्छा सा गोल्डन कलर है, एक रिच लुक्स आता है, तो वाइट और गोल्डन का लुक बहुत ही। नाउ वी आर गेट रेडी फॉर आवर स्कूल, सो अभी जल्दी से हम मतलब ये सब कर लेंगे। स्कूल से पहले हम वीडियो ज़्यादातर नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी रहता है, टाइम के अंदर पहुँचना पड़ता है, 3 डेज लेट हो जाएगा तो 1 डे का एबसेंट मार्क पड़ जाता है, तो इसके वजह से ये अभी हम सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं। वैसे हम लोग साउथ कोलकाता की तरफ रहते हैं, तो यहाँ का मतलब गैंगेस एरिया के बहुत ही पास है, तो वेदर जितना भी विंटर हो जो भी हो वेदर में मॉइस्ट रहता ही है, तो हम लोग का इधर मतलब रूखा सूखा ज्यादा नहीं रहता है, तो इसके वजह से ज्यादा करके सनस्क्रीन डालना नहीं पड़ता है, जितना मतलब स्किन में आपका रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम लोग डाल लेते हैं। तो मिनिमलिस्टिक का ये अभी भी चल रहा है, तो इसके वजह से हम मतलब दूसरा ऑर्डर नहीं किए। और मेरे पास रियो हर्ब्स का भी एक है और पॉन्स का भी है, पॉन्स का मेरा स्किन पे व्हाइट कास्ट छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम वो वाला नहीं लगाते, तो जल्दी से मेरा ये वाला लगाना हो गया, और हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। और ये है रियो हर्ब्स का सनस्क्रीन, ये हम गर्मी के टाइम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन तो बस यही है मेरा मॉर्निंग वाला व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग में हम ज़्यादा मतलब हर एक घंटे का क्लिप्स नहीं उठा पाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी रहता है, और इधर हम लैक्मी 9 to 5 जो सीसी क्रीम है वो लगा रहे हैं, इसके साथ साथ हम थोड़ा आईब्रो भी कर लेंगे और थोड़ा लिपस्टिक भी मतलब हम अप्लाई कर लेंगे, तो सब कुछ करके, और काजल तो मस्ट होता ही है, तो सब कुछ करके हम रेडी हो रहे हैं स्कूल निकलने के लिए। तो आई हैव डन टुडेज लुक, सो नाउ हम जल्दी से गेट रेडी होके ड्रेस तो हम पहन लिए, ये वाला ड्रेस पहने हैं, ये आप लोगों को दिखाए थे ये वाला, तो ये वाला हम पहन लिए, तो अभी हम निकलने वाले हैं जल्दी से रेडी होके। और भी अच्छा अच्छा एक्साइटिंग चीज़ हम अपने चैनल पे लाने वाले हैं, आप लोग रहिए मेरे साथ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑब्वियसली कमेंट कीजिएगा। तो आज इतना ही, बाय, सी यू नेक्स्ट, हैप्पी डे।